बन रहा है पात्रा, क्या बोलते हैं इसको, लोड़ा गांव में ना, गांव में लोड़ा बोलते हैं इसको, पतेओरा, पतेओरा बना रही मम्मी, पतेओरा। ये खोलो ड्रिंक का दाम खोलो। सो गाइस बैठी हूँ मैं आराम से मायके में, लेजी लेजी सा एकदम, मायका मायका होता है यार। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ, कृषि को नाश्ता करा दिया, भाभी ने पराठा बनाया था उसको खिला दिया, वो गया। और अभी हम लोग का नाश्ता बन रहा है पात्रा, वो मैंने दिखाया आप लोग को, तो वो थोड़ा पकने में समय लगता है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। मम्मी बना रही है और भाभी पैकिंग कर रही, वो भी हम लोग के साथ निकलेंगी। और मम्मी थोड़ा अचार अचार पैक कर रही थी हम लोगों के लिए। इधर आओ गाइस। और लकी भैया गए थे किचन में, कुछ करा के आए कि नहीं? और मैं आप लोग को बताऊं, कल मैं जहाँ दीदी के यहाँ गई थी, मतलब मुझे पता ही, लोग इतना ज्यादा मुझे देखते हैं, मेरे रिलेटिव कह रहे हैं जो भी देख रहा है एक बार वीडियो बना लो, हाय गाइस। सब मेरे वीडियोस देखते हैं बैक टू बैक। अच्छा, और आज मैंने कोई भी वीडियो एडिट नहीं किया, आज कोई वीडियो नहीं जाएगा, घर जाके एडिट करूंगी तो वीडियो जाएगा फटाफट। तो यहाँ पर किचन में मम्मी और भाभी मिलके पात्रा बना रही हैं, मतलब गांव में इसको पतेवरा बोलते हैं, अरवी के पत्ते होते हैं ना, उसमें चने की दाल पीस के उसमें मसाले वगैरह डाल के ऐसे बनाते हैं लंबा लंबा, ये देखिए इस तरीके से चिपका चिपका के ये ऐसे मम्मी ने बनाया है। फिर इसको बॉयल कर देंगे, मतलब स्टीम देना है उसको, बेसिकली स्टीम दे के फिर उसको काट के उसको डीप फ्राई करके भी आप खा सकते हो, और शैलो फ्राई करके भी, ऐसे भी आप खा सकते हो स्टीम से पका हुआ भी, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। और यूपी का ट्रेडिशनल वो है ये नाश्ता है, ये देखिए। और इस कैसन बा बढ़िया, अभी बहुत थोड़ा ऐसा ऐसा बनाओ, कैसा कैसा दिखाओ, कलर ऐसा होना चाहिए। ओके, तो नाश्ता वास्ता करके हम लोग हो गए हैं रेडी, क्योंकि घर जा रहे हैं हम। और यहाँ पर ये देखिए, ये है मेरी दादी, मैं आप लोग को मिला नहीं पाई, और हम लोग जैसे ही तैयार हुए ना, दादी रोने लग गई, क्योंकि अब उनका मतलब लास्ट टाइम आ गया है, वो एकदम बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, तो वही है कि अब वो क्या ही कर सकती हैं, वो जिंदा हैं तो, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब चल भी नहीं पाती हैं, ऐसे बैठी रहती हैं, मतलब थोड़ी देर ही बैठ पाती हैं, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। फिर हम लोग भी इमोशनल हो गए थे, उनको शांत वांत कराया, वो अपना ऐसे चारपाई पे लेटी रहती हैं और लोग आते रहते हैं उनके पास, और बस थोड़ा सा उनको शांत वांत कराया। उसके बाद फिर हम लोग अभी रेडी हो गए जाने के लिए, भाभी भी हम लोग के साथ निकल रही हैं, और मम्मी भी अभी सुबह से भागम भाग कर रही थी, वो भी सब आ जाते हैं तो घर भर जाता है, फिर अभी खाली हो गया, थोड़ी देर में हो जाए, तो बस अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और कृषि को देखो, इसने चोटी भी नहीं कराई, क्योंकि ये सो गया था नहा के, तो फिर हमने इसको उठाया ऐसे ही, तो सो नींद में ही था, तो मैंने कहा चलो फिर बाद में चोटी बना लेंगे घर पहुंच के, अभी तो ये ऐसे ही है। तो बस यहाँ पे वही सब हंसी मजाक चल रहा था, पापा भी थे, सब लोग थे, तो बस अब हम लोग जा रहे हैं। अब देखो कब आना होता है, दादी की वजह से थोड़ा सा लगता है, क्योंकि अब पता नहीं कब उनसे मिल पाऊँगी या नहीं, क्योंकि उनकी जो एज चल रही है 100+ हैं, मतलब 100 साल से ऊपर की है, तो अब पता नहीं वो कब तक चलेंगी कब तक नहीं, तो मिल पाऊँगी या नहीं, एक मतलब मन में थोड़ा सा होता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो बस एक मतलब मायके से जाना तो बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट होता है हर लड़की के लिए, तो लेकिन क्या कर सकते हैं, जो संसार का नियम है वो तो है ही। तो बस यहाँ पे बहुत ही भारी मन से हम लोग निकल रहे हैं अपने ससुराल के लिए, मैं निकल रही हूँ मतलब, और भाभी लोग भी चल रहे हैं, क्योंकि उधर से वो लोग चले जाएंगे शाहजहाँपुर, मतलब जहाँ भैया रहते हैं वहाँ। तो बस हम लोग बैठ चुके हैं, अब निकलेंगे, और जिस दिन हम लोग आए थे शायद उस, तो बस हम लोग निकल चुके हैं, अभी मार्केट पहुँचे ही थे, इन लोगों ने मीठा पान खिला दिया, एक शॉप पे बहुत अच्छा मिलता है, तो वही मैं खा रही थी, और अभी वो वाली शॉप पे हम पहुँच गए जहाँ बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग तो खाएंगे ही अब जाते समय भी, क्योंकि फिर पता नहीं कब आएंगे, तो वहाँ पे ना बहुत टेस्टी समोसे देता है मेरे घर के पास, तो हम लोग जब भी जाते हैं, इनको भी बहुत पसंद है, जैसे शॉप पे पहुँचते तुरंत बोलते चलो समोसे खाते हैं, बहुत टेस्टी समोसे देता है, तो बस वहीं जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर वही सब समोसे कोल्ड ड्रिंक यही सब हम लोग ले रहे थे, और बच्चे यहाँ पे देखो बाहर खिड़की से बोल रहे थे मामा ये ले आओ मामा वो ले आओ, बेचारा परेशान हो जा रहा था भाई मेरा, वो उससे बोल रहा था बार बार। तो बस यहाँ पे मतलब हम लोगों ने सोचा जो भी खाने पीने का आइटम एक ही जगह रुक के ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे साथ में, तो फिर इन लोग खाते पीते भी रहते हैं, तो बस यही सब चल रहा है यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम लोग घर निकलेंगे। और बस अभी कोल्ड ड्रिंक सब ने ले ली है, क्योंकि सबको पसंद है, इनको देखिए छोटे महाराज को, ये भाभी का छोटा लड़का, इसको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, जैसे ही इनको देखता है ना कहेगा कोल्ड ड्रिंक।
और बस यहाँ पे ना मैं वेट कर रही थी कब मेरे मुंह का पान खत्म हो और कब मैं समोसे और कोल्ड ड्रिंक खाऊँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पान जो बचा हुआ मुंह में है पान का, ये मैं क्या करूँ, क्योंकि जो नहीं खाता ना उसको समझ नहीं आता कि इसको करते क्या। और पता, जब भी मैं पान खा लेती हूँ ना, मेरे गले में ऐसा लगता है कुछ अटक सा गया है, तो मैं इसलिए मैं बिल्कुल भी पान कभी खाती नहीं हूँ। मतलब कभी कभार खा लेती हूँ मीठा जैसे मन किया तो साल में एक बार, बट ऐसे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। तो मैं इतनी देर से उसको खाए पड़ी थी और सबसे पूछ भी रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ। और यहाँ पे बच्चों को देखो, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक का केन मिल गया है, पिए चाहे ना, लेकिन हाथ में लेके शुभांग और टीटू दोनों बड़े खुश थे। और कृषि नहीं, उसको नहीं इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। बहुत ही फेमस चाट आज इत्तेफाक से हम लोग को मिल गई हमारे यहाँ की, तो ये टेस्ट करके बताती हूँ कैसा। बहुत सालों के बाद मैं खा रही हूँ। पटरी के ऊपर से जा रहे हैं तो गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने घर। हमारे स्टार्टिंग से पहले ही मेरे आस पड़ोस के जितने लोग हैं, भाई भाई सब स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं कैमरा लेके बोलती हूँ कि अब मैं चल रही हूँ थोड़ा अपडेट देने, वैसे ही ये लोग शुरू हो जाते हैं। सो गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, तो गाइज हम लोग लखनऊ पहुँच चुके हैं, बस घर से 10-15 मिनट की दूरी पे हैं, घर पहुँचने वाले हैं और अभी 3 बज रहे हैं। और ये देखिए बच्चे सारे क्या बोल रहे हैं, बाबू क्या बोल रहे हैं, मामा गंदा है, मामा गंदा है। हेलो गाइज, और बोलो कैसे हैं आप सब, पूछो कैसे हैं, पूछो कैसे हैं, ये बहुत बोलता है। तो बस घर पहुंचने वाले हैं हम लोग, और 4 घंटे जर्नी करने के बाद सबकी हालत खस्ता हो गई है, अब है ना, लग रहा है घर पहुंच जाएं जल्दी से। एक जगह रुक के हमने पी थी कुल्लड़ वाली चाय, उसका वीडियो में नहीं ले पाई, भूल गई। देखिए गाइज ये है लुलू मॉल जो अभी नया खुला है लखनऊ में, काफ़ी फेमस है। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को घुमाऊंगी लुलू मॉल। हम लोग घर पहुंच गए थे, आराम आराम किया, चाय वाय पिया, अभी शाम का टाइम में निकल लिए हैं मार्केट, क्योंकि कल है ललही छठ। हमारे यहाँ छठ होती है, ललही छठ बोलते हैं यूपी में, उसमें बेटे के लिए व्रत रखा जाता है बेसिकली। तो उसमें मैं तो अभी नहीं रख रही हूँ क्योंकि अभी मेरे बेटे का 2 साल लगा है, 3 साल में रखूंगी, बट भाभी को रखना है तो थोड़ा बहुत भाभी को शॉपिंग भी करनी है, तो हम लोग जा रहे हैं साथ में मार्केट। और मुझे मम्मी के लिए भी वो सब, उसमें एक पेड़ वेड़ लगता है, वो सब ले आना है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे पास वाली मार्केट। हमारे साथ कौन कौन जा रहा है, शुभू भी जा रहा है क्या, बोलो हाय। शुभांग भी चल रहे हैं खाली, बाकी दोनों मंकी घर पे हैं, टीटू दोनों घर पे हैं। मार्केट में आ गए हम लोग, ये छठ का जो पेड़ वेड़ होता है वो सब लेने। और ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट जा रहा है क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाई थी गाइज, आप समझ सकते हैं, इसमें ट्रैवल वगैरह चल रहा है इस वजह से। तो बस यहाँ पे छठ का सामान ले रहे थे हम लोग, क्योंकि मम्मी जी को भी पूजा करनी थी, मौसी को और भाभी को भी, तो वही सब लिया था। और बच्चों के लिए कृष्ण के कपड़े वपड़े लेने थे कृष्ण जी के, इसी के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि भाभी को शुभांग को पहना के स्कूल भेजना था तो वो इसीलिए लेने आई थी मार्केट में। तो वही सब हम लोग ले रहे थे यहाँ पे, और बस अभी जाएंगे घर और खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे क्योंकि अब टाइम नहीं है बनाने का। और ये देखिए यहाँ चाइनीज़ मिल रहा था तो मैंने कहा चलो मोमोज़ ले लेती हूँ सबके लिए, स्प्रिंग रोल भी मिल रहा था बट मैंने मोमोज़ लिया क्योंकि मोमोज़ ऑयली नहीं होता है। तो बस अभी लेके हम आ गए हैं घर वापस, और यहाँ पर देखिए सब लोग खा रहे हैं। तो मौसी मम्मी इन लोगों को बाटी चोखा खाने का मन था तो बाटी चोखा मंगवा दिया था हम लोगों ने, बाकी जिसका जो खाने का मन था वो सब ऑर्डर कर दिया था। तो बस यहाँ पर यही सब हो रहा है। क्या खा रहे हैं आप, करीम्स वाले भैया क्या खा रहे हैं आप, बाटी चोखा बहुत अच्छा बनाया है मैंने ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया कि एकदम पूर्वांचल वाला टेस्ट। मैंने मौसी कैसा है, मैंने नहीं बनाया है। तो यहाँ पे सब लोग डिनर कर रहे हैं, मौसी लोग और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तीनों देखो 3 हो गए हैं ना, तो तीनों मिलके खेल रहे हैं आपस में। और मैंने खाना बनाया नहीं था, मैं मजाक कर रही थी, मंगाया था बाहर से। तो बस यहाँ पे इन लोग का डोसा खाने का मन था तो यहाँ पे डोसा आ गया है, जिसका जो मन था वो आ गया। तो चलिए फिर ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।